और चीन अमेरिकी टेंशन का एशियाई बाजारों पर भी असर पड़ा है। नैन्सी के ताइवान दौरे से एशियाई बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। हांगकांग में स्टॉक एक्सचेंज 3% टूटा है। शंघाई स्टॉक मार्केट भी करीब 2% गिरा है। ताइवान और जापान के स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर नजर आ रहा है। आशीष सिंह हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए। आशीष, यानी कि ये समझा जाए कि ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है और जैसे जैसे ये टेंशन एस्केलेट हो रही है, जितने भी देश हैं उनके बाजारों में भी तनाव है। एक क्यूरियोसिटी है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है। देखिए, अगर रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद में किसी एक पॉइंट पर या किसी दो देशों के बीच में सबसे ज़्यादा और बड़ा फ्लैश पॉइंट बना है तो वो है चीन और ताइवान, और उसके बीच में नैन्सी पेलोसी का जाना एक युद्ध की शुरुआत कर सकता है। और ये युद्ध कोई लोकलाइज युद्ध नहीं होगा कि केवल ताइवान तक वो लिमिटेड रहेगा, उसमें अमेरिका को आना पड़ेगा, उसमें बाकी फोर्सेज भी आ सकती हैं। और चीन को घेरने के लिए कई ऐसे देश हैं जो तैयार बैठे हैं कि जस्ट बिकॉज चीन ने रशिया के साथ में सपोर्ट किया है, ऐसे में चीन को वो जरूर चाहेंगे कि निपटाएं नहीं तो कम से कम नुकसान जरूर पहुंचा दे। और इसी डर से मार्केट्स काफी तेजी से गिर रहे हैं। एक क्विक पॉइंट में जरूर यहां पे कहना चाहूंगा, नैन्सी पेलोसी जब सिंगापुर में सिंगापुरी प्राइम मिनिस्टर से मिले तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज इस जो एस्केलेशन पॉइंट फ्लैश पॉइंट बना है चीन और ताइवान के बीच में, उसमें काफी ज्यादा संयम से आप यहां पर अप्रोच रखें, क्योंकि उन्हें पता है कि साउथ ईस्ट एशियन और स्पेसिफिकली सिंगापुर, फिलीपींस और शंघाई, बाकी सारे मार्केट्स पे इस युद्ध के जो काले बादल मंडरा रहे हैं उसका सीधा और गहरा प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपका कि दौरे का पहला स्टॉप ओवर ही सिंगापुर, और सिंगापुर में वहां पर ली हसियान लूंग वहां के प्रेसिडेंट इस बात को वो रेखांकित उन्होंने मिलते ही किया था कि चाइना और अमेरिका के बीच में स्टेबल रिलेशनशिप इस पूरे इलाके में स्थिरता के लिए बहुत जरूरी। बहुत धन्यवाद आपका आशीष, बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट्स आपने दिए।